हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है फॉर 2020 के लिए। जानेंगे कंप्लीट डिटेल अबाउट दिस एग्ज़ाम। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका टारगेट है UGC नेट 2020, तो हमारे ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आप उन्हें एनरोल कर सकते हैं, आप डेमो लेक्चर्स उनके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है फॉर द कॉमर्स, मैनेजमेंट, HRM, लेबर वेलफेयर एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, सो फॉर मोर डिटेल आपको नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइस, अब बात करते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। पहले कुछ जनरल डिटेल्स देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये आपका, अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको लिंक नीचे गिवन है, आप लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम है आपका महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम, जो कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, कंडक्ट करवाती है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन है, जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑफलाइन मोड पे होगा। 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम जो डेट है वो है 28 जून। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एग्ज़ाम जो डेट है वो है आपकी 28 जून। ठीक है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट पास में ही बैठेगा, आपका जो होता है नेट के एग्ज़ाम के आसपास ही आपका ये एग्ज़ाम होगा। ओके, सो गाइस, अगर बात करें अदर थिंग की, तो यहाँ पर आपका जो डेट्स हैं वो आपका हो जाएंगी, 1 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम की एप्लीकेशन। ठीक है, लास्ट जो डेट है अप्लाई की वो है आपकी 21 जनवरी, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस है 21 जनवरी। ओके, करेक्शन के लिए भी यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड वो होगी आपकी 8 जून को। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया, 28 जून 2020 को होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। यहाँ पर कुछ बेसिकली इंस्ट्रक्शंस है एप्लीकेशन फॉर्म के, ये आप पढ़ सकते हैं, नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अगर फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 800, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 650 है, सभी के लिए, SC ST OBC सभी के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें अगर, तो यहाँ पर 55% मार्क्स जो एग्रीगेट है, जैसा कि आपका नेट में होता है, और जो अदर स्टेट के यू नो रेजिडेंट हैं उन सभी को एज ए जनरल यहाँ पर यू नो एक्सेप्ट किया जाएगा, एज ए जनरल उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी कि उनकी जो मेरिट जाएगी, अगर सपोज आप महाराष्ट्र स्टेट से नहीं बिलोंग करते, आप वहाँ के रेजिडेंट नहीं हैं, तो आपकी जो मेरिट जाएगी, जो मेरिट लगेगी आपको, वो एज ए जनरल लगेगी अगर आप OBC, SC ST या अदर कैटेगरी में भी है, तो जब भी आपका एज ए जनरल यहाँ पर आपका आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो पैटर्न रहेगा, ये पैटर्न इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका नेट का पैटर्न पे नहीं बेस्ड है, ये नेट से डिफरेंट पैटर्न पे है, और यू कैन से दैट इट्स ए ओल्ड पैटर्न ऑफ नेट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पेपर हो गए, Paper 1, Paper 2 and Paper 3। ठीक है, द एग्जामिनेशन फॉर ऑल द 3 पेपर वुड बी हेल्ड ऑन 1 डे, एक ही दिन में हो गए, इन 2 सेपरेट सेशन में। एग्जाम विल बी हेल्ड ऑब्जेक्टिवली, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली हो गए। ठीक है, द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर, नो नेगेटिव मार्किंग है। पहला पेपर होगा 60 क्वेश्चन हो गए, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन कंपल्सरी हो गए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके ये कि 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंपल्सरी हो गए पेपर फर्स्ट में। ठीक है, ये आपको कंपल्सरी करके ही आने पड़ेंगे। सेकेंड पेपर में 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और आपके जो थर्ड पेपर होगा वहाँ पर 75 क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ पर 3 पेपर हो गए, ना कि 2 पेपर। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाता है आपके जो नेट का रहता है। नेट में आपके 2 पेपर होते हैं 3 घंटे के, यहाँ पर आपके घंटे तो 3 ही हैं, बट यहाँ पर 3 पेपर हो गए। ठीक है, ओके, सो अगर हम बात करें टाइम के बारे में, तो यहाँ पर टाइम डिस्ट्रीब्यूट है आपका, फर्स्ट पेपर जो है वो आपका 1.4 आवर्स है, यानी कि 10 बजे से लेकर 11:15 तक आपका रहेगा, 1 आवर्स 15 मिनट का होगा। फिर आपका सेकंड पेपर होगा 11:15 से 12:30 तक होगा। ठीक है,
थर्ड जो पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में आपका, ठीक है, वो होगा 2 o'clock से लेकर 4:30 तक, ठीक है। तो ये आपका, ये आपके सारे यहाँ पर डिवाइडेड है टाइम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, सो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस आपका सेम ही है जो कि आपका नेट में रहता है। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्ट्रेटजी, स्टडी होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, ये सारे आपके सब्जेक्ट है। कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। और ये यहाँ पर कुछ आपके सेंटर्स के गिवन है, यहाँ पर 15 सेंटर्स हैं ओनली, जो कि मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, जलगोन, औरंगाबाद, नंदेड, अमरावती, नागपुर, गोवा। और ये मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, ठीक है, ये कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा का। तो अगर आप गोवा के रेजिडेंट हैं, तो जब भी आपका एज ए रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन की कैटेगरी में आते हैं, तो आपको वहाँ पर रिजर्वेशन आपको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट रहेगी, क्योंकि इट्स ए कंबाइंड टेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। ओके, सो गाइस, ये सारे यहाँ पर डिटेल्स हैं इसके बारे में, और डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको महाराष्ट्र सेट्स की कॉमर्स एंड पेपर 1 के अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो ऑल्सो अवेलेबल मैनेजमेंट का भी हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच आउट दिस सेशन।